विंटर लाइन एक कुदरत का ही करिश्मा कहेंगे वो। हालांकि इसमें इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे सूरज शाम को ढलता है पहाड़ियों की रानी मसूरी में, तो देहरादून के इलाके में पूरी एक क्षैतिज रेखा लाल रंग की दिखाई देती है। और ये रेखा जो बनती है इससे टूरिस्ट बड़ा आकर्षित होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड से और एक मसूरी से दिखाई देती है, इसलिए टूरिस्ट इस विंटर लाइन को देखने के लिए मसूरी आते हैं। इस यहाँ के पर्यटन को लाभ मिलता है। हालांकि सरकार की तरफ से अब इसको पर्यटन के नक्शे में लाया गया है, और इसको इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर विंटर लाइन कार्निवाली भी होने लगा है। तो विंटर लाइन की अपनी महत्ता है, एक प्रकृति का एक बहुत सुंदर नज़ारा है जो शाम ढल जैसे शाम होती है उस टाइम ये दिखाई देती है। प्रचार प्रसार की कमी है, जबकि विंटर लाइन जब इसका शुरुआत हुई जब स्विट्जरलैंड में दिखाई दी, तो उस टाइम तो पूरे जो वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े संगीतकार गीतकार हैं उन्होंने इसके ऊपर गाने बनाए, इसके ऊपर ट्रेवल एजेंसियों के नाम है। लेकिन अब हमारे देश में जब धीरे धीरे इसका प्रचार अब शुरू होने लगा है और लोग इसको जानने लगे हैं, उससे एक प्रकृति का चमत्कार है ये। जब सूर्य अस्त होता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं उनका रंग बदल जाता है, और वो यहाँ से हमारे यहाँ क्योंकि मसूरी की लोकेशन जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो यहाँ से क्षितिज बनता है, जो होराइजन बनता है वो बहुत लंबा बनता है, तो ऐसी स्थिति वाले जो भी जगह ऊंची होगी वहाँ पे जब सूर्यास्त होगा तो ये लाइन बनती है। और ये पहले तो मैं सुनता था कि स्विट्जरलैंड में और हमारी मसूरी में बनती है अब, लेकिन कहीं कहीं कुछ और देशों में भी ज़रूर बनती होगी। जैसे मैंने इसका बताया ये एक फिनोमिना है, इसे इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है नेचुरल फिनोमिना या प्राकृतिक चमत्कार है, और ये मसूरी का सौभाग्य है कि यहाँ ये दिखाई देता है। और बहुत लंबा जैसे मैंने आपको बताया पूरा होराइजन है काफ़ी मील लंबा, तो उसमें हमारे को यहाँ से दृष्टि गोचर होता है और प्रकृति का है ही यहाँ, तो इसीलिए कई सालों से आप जानते हैं ये विंटर लाइन फेस्टिवल यहाँ नगर पालिका करवाती है और ऑटम फेस्टिवल कमेटी करवाती है, तो इसीलिए होता है। मसूरी का ये मैंने आपको बताया ना, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र तो है ही, और एक मसूरी के लिए भी सौभाग्य की बात है यहाँ से ये दिखाई देता है। प्रकृति का नज़ारा यहाँ से लोग देखते हैं, माल रोड से देखते हैं, जहाँ से भी देखो पश्चिम दिशा की तरफ आप देखेंगे पूरा विंटर ये दिसंबर से लेकर जनवरी तक दिखाई देता है। लेकिन मैं आप इसमें आपने जब ये पूछा तो मैं ये जोड़ना ज़रूर चाहूँगा कि कई पिछले कई वर्षों से मेरा तो जन्म मसूरी में, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, वो इच्छा नहीं है, इसलिए इसको कम किया जाए। जितना भी प्रदूषण कम होगा तो उतना हमारा ये प्रकृति से जो नज़ारे दिखाई देते हैं ये दिखते रहेंगे, क्योंकि गाड़ियों और चीज़ों का प्रदूषण जो है वो इसको थोड़ा धूमिल करता जा रहा है। जो जिनका जिनका ये काम है जैसे मैंने आपको बताया ये, और इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए कि मसूरी से ये ऐसा एक ऐसी विशेषता है मसूरी नगर की जहाँ से आप ये प्रकृति का नज़ारा देख सकते हैं, खासकर इसका दिल्ली और जो पंजाब और जगहें जो इसका प्रचार होना ज़रूरी है, और जिससे मसूरी को आर्थिक रूप से फ़ायदा हो, लोग पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ।